हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7, कैन यू सी द पैटर्न? ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107 एंड ओपन योर नोटबुक. कैलेंडर मैजिक, राइट हेडिंग कैलेंडर मैजिक. आपको पता है कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर में क्या आता है? संडे टू सैटरडे और डेट आती है, ठीक है. लुक एट द कैलेंडर बिलो. यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है. ओके, लेट अस मार्क ए 3x3 बॉक्सेस. यहाँ पे देखो 3x3 बॉक्सेस, 3x3 मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. 9 डेट्स, टोटल कितनी डेट इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेट ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक. आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दिस नंबर इन द बॉक्स. वॉन्ट दैट टेक्स सम टाइम. द टोटल इज 99. इसका टोटल कितना है यहाँ पे? 99. टेक द स्मॉलेस्ट नंबर. यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3. तो सबसे पहले 3 लो. एड 8 टू इट. इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 11. मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आ गया? 99. तो यहाँ पे तो इसको टाइम लगता है, पर यहाँ पे हमारा आंसर जल्दी आ गया है. जस्ट टेक मिडल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9, सी यू कैन गेट द आंसर इवन फास्टर. क्या किया? स्मॉलेस्ट नंबर 3 प्लस 8 ऐड किया, 11 आया. मल्टीप्लाई 9 किया, 99 आ गया. ओके, सो क्वेश्चन 1 करके लिखो. नाउ यू चूज एनी 3x3 बॉक्स फ्रॉम अ कैलेंडर एंड फाइंड द टोटल इन द सम वे. प्ले दी गेम विथ योर फैमिली. हमें भी ऐसे कैलेंडर बनाना है और उसमें 3x3 का बॉक्सेस बनाना है और ऐसे हमें टोटल करना है, ठीक है. सो चलो देखो, यहाँ पे संडे टू सैटरडे कैलेंडर है और डेट लिखी हुई है और यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बनाए 3x3 का, मतलब 3x3 टोटल कितने होंगे? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इसमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर लेना है. सब फर्स्ट कौन सा है? 9. देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 9, उसमें ऐड कितना करना है? 8 करना है, मतलब 9 + 8 कितना होगा? 17. मल्टीप्लाई बाय 9, और 17 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. टोटल कितना आ जाएगा? 153. ओके, इजी था ना? ओके, सो क्या किया? स्मॉलेस्ट नंबर 9 प्लस 8, 17. 17 मल्टीप्लाई 9, 153. ओके, उसके बाद हेडिंग डालो सम मोर नंबर पैटर्न. क्वेश्चन 1 करके लिखो. टेक एनी नंबर, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 2, 3, 4 एट एवरी स्टेप. ऑल्सो एड 3 टू इट एट ईच स्टेप. ईच स्टेप में क्या करना है? 3 ऐड करना है. लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर. आंसर का डिफरेंस क्या आता है? इज इट द सेम एट एवरी स्टेप. क्या हर एक स्टेप में जो डिफरेंस है वो सेम है? तो देखो, हम पहले ये टेबल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा. क्या यहाँ पे देखो, 12, 12, 12, तो यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा और यहाँ भी 12 आएगा. अब देखो, मल्टीप्लाई 2 से, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से, तो यहाँ पे देन 6 से, 7 से, 8 से और 9 से. सभी में ऐड कितना किया है? 3. ओके, तो अब देखो, 27, 39, 51, 63. अब क्या करेंगे? 39 में से 27 माइनस कर दो, डिफरेंस पता चल जाएगा. कितना डिफरेंस आता है? 12. अब 51 में से 39 माइनस कर दो, यहाँ पे 1 में से कट नहीं हुआ 10 और 5 की जगह पे 11 आ जाएगा. 10 मतलब 11 हो जाएगा. 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 3 12 आ जाएगा. तो यहाँ भी डिफरेंस 12 आया. अब यहाँ भी डिफरेंस कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए. ओके, सभी का डिफरेंस. सो 63 में 12 ऐड कर दो. 63 प्लस 12, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा. देन 75 में 12 प्लस कर दो 7 और 8, तो यहाँ पे 87. आप ऐसे भी कर सकते हो. अब इसमें 12 प्लस कर दो 9 और
9, 99 आ गया, इसमें 12 ऐड कर दो, 9 प्लस 2, 11, 9, 10 और 11, 1, 1, 1, आप 12 मल्टीप्लाई 8 करके प्लस ऐड करोगे तो भी 99 आएगा, तो सभी का डिफरेंस सेम आता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे ये क्वेश्चन का? यश, द डिफरेंस इज द सेम एट एवरी स्टेप, ओके, हर एक स्टेप में डिफरेंस है वो सेम है। देन आपको एक क्वेश्चन लिखना है, फिल इन द बॉक्सेस बाय दिस पैटर्न, आपको ये क्वेश्चन लिख के ये बॉक्स कंप्लीट करना है और आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे इसका, हमें डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस सेम कितना आता था, 12 आता था, सो यस द डिफरेंस 12 इज सेम एट एवरी स्टेप, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन है, नाउ ट्राई डूइंग विथ सम अदर नंबर्स, यहाँ हमें और नंबर से ट्राई करना है, ठीक है। सो देखो अब हमने नंबर लिया है 15, मल्टीप्लाई 2, 3, यहाँ पे सभी में 15 आएगा, मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और प्लस करेंगे 4, तो सभी में 4 प्लस करेंगे, 15 टू ज़ा 30 प्लस 4, 34, 15 थ्री ज़ा प्लस 4, 49, ओके, 15 थ्री ज़ा 45 प्लस 4, 49, ऐसे, हाँ देखो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है, 15, अब 49 में 15 ऐड करेंगे, 9 प्लस 5, 14, 1, 4, 5 और 6, 64 आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है, सभी में 15, 15 ऐड करके जाना है, ठीक है। आपने एक बात नोटिस की कि हमने जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे किया था 12 लिया था तो सभी का डिफरेंस 12 आता था, तो यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिया है, 15, तो सभी का डिफरेंस कितना आता है, 15 आता है, ओके। वैसे 15 फाइव ज़ा प्लस 4 79, 15 सिक्स ज़ा प्लस 4 94, 15 सेवन ज़ा प्लस 4 109, 15 एट ज़ा प्लस 4 124, 15 नाइन ज़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 139, सभी में कितना ऐड करना है, 15, सभी का डिफरेंस क्या इतना आएगा, 15, हियर द डिफरेंस 15 इज सेम एट एवरी स्टेप, ओके। उसके बाद और एक क्वेश्चन लिखो, नाउ ट्राई डूइंग इट विथ सेम अदर नंबर एंड ऑल्सो टेक डिफरेंट नंबर टू एड ईच स्टेप, मतलब यहाँ पे हम एड सेम नंबर करते थे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर ऐड करना है, ओके। देखो यहाँ पे सभी का 15 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस एड डिफरेंट नंबर करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 15 वन ज़ा 15 प्लस 2 17, 15 टू ज़ा 30 प्लस 3 33, ऐसे आपको करना है, 15 थ्री ज़ा प्लस 4 49, 15 फोर ज़ा प्लस 5 65, 15 फाइव ज़ा प्लस 6 89, 81, 15 सिक्स ज़ा प्लस 7 97, 15 सेवन ज़ा प्लस 8 113, 15 एट ज़ा प्लस 9 129, 15 9 ज़ा प्लस 10 इज इक्वल टू 145, 15 10 ज़ा 150 प्लस 11 161, हियर द डिफरेंस 16 इज द सेम एवरी स्टेप। अब हमें डिफरेंस चेक करते हैं कितना आता है, यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 बचेगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 16 में 49 ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 15 1 4 5 6 ये 60 आ गए, मतलब डिफरेंस
सेम आता है सभी में. ओके ओके सो इतना समझ में आ गया. ओके थैंक यू.